आज स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में आए हो, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस खूबसूरत मूर्ति का हम सब ने मिलकर अनावरण किया। खटाना जी क्या है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो मैंने कहा खटाना जी शांति रखो और डरो मत। उन्होंने कहा साहब बारिश हो गई, पानी पड़ गया, देरी हो रही है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। फिर उन्होंने कहा साहब वो बीजेपी वाले कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई हाथी पे आ रहा है, कोई घोड़े पे आ रहा है। और हकीकत तो यह है कि इस मूर्ति के कार्यक्रम को बहुत समय से उन्होंने मुझसे टाइम मांगा था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी रही कि कार्यक्रम नहीं कर पाए। लेकिन फिर वो एक आप जानते हो पुराने खटाना जी को मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो बहुत टेंशन, मन में विचलन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, परिवर्तन यात्रा आ रही है, फलानी पार्टी आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा सुनो खटाना जी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम सब लोग आएंगे और ये पुराना बहुत लंबे समय का कार्यक्रम होना था, लेकिन हर चीज का समय होता है। और ये संयोग की बात है कि कल एक जनसभा प्रियंका जी ने करी टोंक में। अब आप जानते हो मैं टोंक जिले से टोंक का विधायक हूं, लेकिन ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैं सबसे पहले दौसा का सांसद था। तो कुछ संयोग ऐसा बैठा कि जैसे ही हमारी टोंक की सभा कल खत्म हुई, हमारा आज 11 तारीख का प्रोग्राम था, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करने में, इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में एक दूसरे का सहयोग किया। और आप सब जानते हो चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। अभी खटाना जी याद दिला रहे थे 1986 में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था उस समय, मेरे ख्याल 8-10 साल का होगा। उस समय पायलट साहब ने इस कॉलेज का जब शिलान्यास किया था, तो टाइम था सुबह का 11-12 बजे का, हम पहुंचे रात के 1 बजे यहाँ पे। उन दिनों सड़कें छोटी थी, अम्बेसडर गाड़ी थी, डीजल की थी, बार बार गर्म हो जाती थी, रुकना पड़ता था। और साथ में आए थे उस समय सांसद थे अमिताभ बच्चन जी। मुझे जब इन्होंने कहा तो एकदम से याद आया कि हम अलवर होते हुए बांदीकुई पहुँचे, लेकिन रास्ते में बहुत जगह रुकते हुए आए और 8-10 घंटे देरी से आए। और उस समय भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, बहुत जोश था। अब ये देखो खटाना जी आपकी किस्मत ही ऐसी है, आज बिना अमिताभ बच्चन जी के भी मामला जमा हुआ है ठीक ठाक, क्यों भाई? मैं और ये बात भी सही है कि शिलान्यास पायलट साहब ने किया था, लेकिन आज उनकी मूर्ति का जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे कि हम सब ने मिलकर उनका मान सम्मान किया है। और इस मूर्ति की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे लेती रहेंगी। ये 36 कौम के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जिले के लिए, जो जो बच्चे यहां पढ़ेंगे उन सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अब क्योंकि 2.5-3 महीने बाद चुनाव है और मेरे ख्याल 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, विधानसभा के चुनाव होंगे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, मिजोरम में है, और आप सब लोगों को निर्णय करना है कि किन लोगों को चुनकर हमने विधानसभा में भेजना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपके विधायक खटाना जी ने जो दिन रात इस बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में संपर्क किया है, हफ्ते में 6-6, 7-7 दिन घूम घूम कर गाँव ढाणी में एक दूसरे से को लोगों को जोड़ा है और बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के लोगों को विकास का रास्ता दिखाया है। क्योंकि साथियों जब पहला चुनाव यहां से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया था खटाना जी को, अपन कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र की सेवा करी। और जब आपने जिताकर भेजा तो विकास में, संपर्क में, प्यार में, मोहब्बत में, भाईचारे में, जोड़ने में, बिना भेदभाव के विकास कराने में इन्होंने कोई कमी छोड़ी नहीं है। इसलिए आप लोगों को अब तय करना है
और आपसे मतलब नौजवानों से, 36 कौम के लोगों से, सब लोगों से। ये पुराना क्षेत्र रहा कांग्रेस का, गढ़ रहा, यहाँ से मुरारीलाल मीणा जी विधायक रहे, और मैं तो अभी बांदीकुई की जो सिकराय की हमारी मंडी है उसमें कह रहा था, मैंने कहा बांदीकुई के लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं, बटन एक दबाते हैं विधायक दो मिल जाते हैं। फटाना जी का भी अब ये माने ना माने मंत्री विधायक दौसा से हैं, लेकिन मन और मकान बांदीकुई में बना हुआ है। अभी मकान दिखा रहे थे मेरे को बाईं तरफ का जो बोर्ड लग रहा है, लेकिन आज मैं बहुत दिन, ये बात सच है, बहुत दिनों के बाद बांदीकुई आने का मौका मिला। बहुत से ऐसे लोग जो पहले नौजवान थे, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, जिनके थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद थे आज पूरे धौले हो गए, पूरा सफ़ेद हो गए। और मैं रास्ते में आ रहा था, वो सीताराम शर्मा जी की हलवाई की दुकान है बाईं तरफ कोने पे, मैंने बहुत पहले वादा किया था उनको, मैंने कहा पंडित जी आपकी दुकान पक्का आऊँगा। आज उनको देखा, मैं गाड़ी से उतरा, उनकी दुकान में गया, उनका पोता इतना बड़ा हो गया, वो 22-23 साल का पोता हो गया। तो समय बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन समय के बीतने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसी संबंध खत्म कर दें। और संबंध साथियों बनाने से बनते हैं, चाहे घर का भी कोई सगा संबंधी हो, चाचा भतीजा माई मासी कोई भी हो, अगर आप संबंध नहीं बनाओगे, और संबंध बनते हैं दो तरफ से, एक पक्ष जोर लगाता रहे और दूसरा सुने ना, राम राम ना करे, मीठे से बात ना करे, संबंध बनते नहीं। संबंध बनाने के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार रहना, अपनेपन का एहसास कराना, ताली दो हाथ से बजती है, संबंध दो तरफ से बनते हैं। तो समय के साथ साथ जो संबंध गहरे होते जाते हैं वो संबंध सच्चे होते हैं, और समय के साथ साथ जो संबंध कम होते जाते हैं, ये समझ लो कि कमी मेरे में या तुम में हो, अगर संबंध कमजोर हुए हैं तो कमी किसी ना किसी की है। लेकिन मुझे फख्र है, मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि हम लोगों का संबंध इस क्षेत्र से, इस तहसील से, जिले से जितना पहले था, भगवान की कृपा है, आज पहले से ज्यादा हो गया है। और ये सब इसका श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी भागदौड़ में लगा रहता हूं, आप जानते हो। मैंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया, इसका उद्देश्य सिर्फ मूर्ति की स्थापना करना नहीं था, इसका उद्देश्य था कि वो बात, वो सिद्धांत, वो वादे, वो विचार जो स्वर्गीय पायलट साहब ने अपने पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में कहे और करे, उसका अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से मैं देखता था पायलट साहब के हर भाषण में बोलते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, किसान का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 20 साल बाद अब जाके सरकारों ने उस काम को किया कि किसान क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ें और पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठ जाएं जहां से नीति बनती है, जहां से कार्यक्रम बनते हैं, जहां से बजट साइन होता है। अगर उन कुर्सियों पर गरीब और किसान के बच्चे बैठेंगे, उस अधिकारी को, उस नेता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसानी में कितनी लागत लगती है, खाद बीज पानी कहां से आता है, फसल का बीमा कहां से होता है, गाय भैंस बकरी कहां से आती है। तभी मैं कहता हूं, पायलट साहब भी कहते थे, गरीब गांव ढाणी में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियां, उनको शिक्षा का वरदान मिले, वो पढ़ लिखकर कामयाब हों, जो व्यवस्था इस देश में संविधान ने बनाई है उसका पूरा उपयोग वो कर सकें, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी देश विकसित होगा। और देश जब आगे बढ़ रहा है, चिंता मुझे इस बात की रहती है साथियों, हमारे देश में जो खाई है गांव और शहर की, अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो संपन्न है, जिनकी जेब में बहुत पैसा है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, और जो गांव गरीब जैसे हाल में कल था, आज बहुत ज्यादा सुधार हो नहीं सका, क्योंकि उस सोच के लोग बैठे नहीं है दिल्ली की सरकारों में, जिनके मन में पीड़ा हो। आज 9 साल से एक सरकार दिल्ली में बैठी है, बजाय भाषण देने के और ज्ञान बांटने के और विज्ञापन थपनाने के, ऐसी कौन सी नीति बनाई है मुझे बता दो आप लोग। नरेगा की योजना हमारी सरकार लेकर आई, शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार लेकर आई, रोजगार का अधिकार हमारी सरकार लेकर आई, गरीबों का 75,000 करोड़ ऋण किसने माफ किया? कांग्रेस सरकार ने माफ किया। बीजेपी की सरकार जनता ने बनाई 2014 में, उसका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जनता के आगे कोई नहीं है। उस सरकार बनाने के बाद हुआ क्या? नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दिया, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। ऐसा क्या कारण है कि केंद्र की सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, मिलीजुली सरकार नहीं है,
हमारी सरकारों में बहुत दबाव होते थे, सहयोगी दल कुछ मांग करते थे, दबाव में हम आ जाते थे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है, किसानों के खिलाफ 3 कानून आपने बना दिए, नौजवान जो फौज में जाना चाहते थे आज आपने अग्निवीर की स्कीम लगा दी कि फौज में भर्ती हो जाओ और 4 साल में छुट्टी, वो बापड़ा 4 साल बाद के करेगा क्या? उद्योगपति परेशान, नौजवान परेशान। हां, चुनाव आ जाए तो नई डेट आती रहती है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी को होगा, 20 जनवरी को होगा, अरे तुम आज ही कर दो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन मंदिर का, मस्जिद का, राम और रावण का, हिंदू का, मुसलमान का, कोई कुछ हो जाए, मैं कहूं यार टमाटर 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा था, पाकिस्तान चले जाओ, महंगाई बढ़ गई, उद्योग बंद हो गए, इस देश में जो हमारी बड़ी बड़ी संपत्तियां थीं, रेल, तेल, बड़े उद्योग, हवाई अड्डे, कारखाने, बिजली घर, वो सब औने पौने भाव में लोगों को बेच बाजती है, और हमको पता यूं नहीं पड़ता कि मीडिया में छपता ही नहीं, जो खबर नहीं छपानी होती वो नहीं छपती। लेकिन हिंदुस्तान का नाम बदल रहा है, भारत रखेंगे, इंडिया रखेंगे, अरे भाई पहले से दोनों नाम हैं, तुमने क्या आविष्कार कर दिया? ये जो सोच है लोगों का ध्यान भटकाने की, मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, हम में कुछ कमी आप हमें आके बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो देश को लूट रहे हैं इनको तो समझ लो पहले, खरबों रुपया विदेश चला गया, क्या भाषण दिए थे, सरकार बनाने के बाद पूरा कालाधन वापस आ जाएगा हिंदुस्तान में, कितना कालाधन वापस आया, जो अवैध बांग्लादेशी देश में घुस गए हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, कितने निकाल दिए आपने? ये झूठ और पाखंड की राजनीति ये जनता समझती है, और इसका परिणाम हमने कल देखा, ये बड़े बड़े रथ पर परिवर्तन यात्रा निकालने आए थे कल दौसा में, मुरारी जी कितने लोग थे दौसा में, क्यों भाई 200-300 कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हो, अरे बड़े भाइयों खिड़कियां खोल लो, देख लो जनता कहां खड़ी है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, मेरी बात समझो, इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना, लोगों को भड़काना, धर्म जाति की बात करना, सत्ता हासिल करना और राम राम जपना, इतना ही काम है। सब लोगों से सचेत रहना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या दुकान बहुत खुल गई, अभी चुनाव से पहले मैं देखूं नई नई पार्टी बन रही है, नए नए नेता आ रहे हैं, अरे ना अरे अब आजकल, और दिक्कत क्या हो गई, देखो कोई बुरा मत माने, इस लोकतंत्र में सबको आजादी है टिकट मांगने की, चुनाव लड़ने की, और मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ तो सोच लो, जिसकी 1.5 बीघा जमीन बिक गई उसने खरीदी 2 स्कॉर्पियो, 4 झंडे और चल दिल्ली, चल जयपुर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बाद में निर्णय हो जाए और जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं, तो फिर सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए, ये नहीं है कोई चील में चला गया, कोई गाड़ी में, कोई घोड़े में, कोई बोतल में, कोई हाथी में, कोई केकड़े में, ऐसे नहीं चलता। आप अगर विचारधारा से जुड़े हो तो आपको दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहता हूं आप सब लोगों को, ये क्षेत्र बड़ा हो गया, पहले आबादी कम थी, अब 2 लाख 2.5 लाख लोग हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, अगर कोई ये गलतफहमी पाल ले कि मैं तो फलाने गोत्र का हूं, फलाने जाति का हूं, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, संभव नहीं है, जब तक सबका मन नहीं जीतोगे, और काम से दिखाना पड़ेगा आपको कि आपके जहन में पक्षपात नहीं है, आपको जिसने वोट नहीं भी दिया उसका भी सेवक बनकर आप काम करोगे, तभी लोगों के मन में बसते हो। पर नेता तो बहुत हुए, मंत्री बहुत हुए, मुख्यमंत्री बहुत हुए, लेकिन नेता वो बनता है जो लोगों के दिल में राज कर सकता है, और लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एक छाप छोड़ने के लिए, एक छाप छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है, और मैं शुरू में कहा था अपनेपन का एहसास कराना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग अभी वेद प्रकाश जी भाषण दे रहे थे, और वेद प्रकाश जी का क्या है, ये जो बोलते हैं तो बहुत आगे का सोच के बोलते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिन लोगों को
जनता ने चुनकर भेजा, उन सब ने मेहनत से काम करा है और खटाना जी ने बांदीकुई के विकास में, ये इस बात को आप भी जानते हो, जितना पहले नहीं हो सका था उससे ज़्यादा काम इस बांदीकुई में करा के दिखाया है। इसलिए अब आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, दो एक महीने का समय रह गया, अब मैं खटाना जी को बोल दूं कि टेंशन मत करो, बोल सकता हूं क्या? आप सब के सब दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि बोलो टेंशन करने का नहीं है खटाना जी, अभी टेंशन करने का नहीं है, खुल के काम करो दो महीने और फिर जनता जिता के कांग्रेस पार्टी को भेजेगी यहां से। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं।